18 से 25 साल की उम्र वाले गलती ज्यादा करते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक लड़का हूं तो मुझे लड़की से बात करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। को अभी मेरा खुल नहीं रहा है तो कैसे झाकू, मतलब ऐसे झाकू। थंबनेल देख के तो बहुत परेशान हो गए होंगे आप लोग कि अरे यार 18 से 25 साल के लोग ही सिर्फ देख सकते हैं ये वीडियो। ऐसी बात नहीं है, वीडियो सबके लिए है, लेकिन ज्यादातर ये जो मैं बात करने आजकल जा रहा हूं, आज खासकर आज इस वक्त जो बात मैं करने जा रहा हूं, वो 18 से 25 साल की उम्र वाले गलती ज्यादा करते हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिवेशन आज का है स्टूडेंट्स के लिए जो आजकल कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, गुमराह हो जा रहे हैं, मंजिल कहीं और है, रास्ते कहीं और मोड़ लिए हैं। मैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन सारी चीज करूंगा एक एक करके। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर इंग्लिश की वीडियो चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं AB Talks चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से आप नॉलेज लें इंग्लिश का, पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल। ध्यान देना मेरे दोस्तों, आज मैं बोर्ड और मार्कर लेके बैठा हूं क्योंकि आज मैं बहुत ही जबरदस्त बात करने जा रहा हूं, और इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्विट मत करिएगा, बाहर मत जाइएगा जब तक ये वीडियो कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि आपके लाइफ की बात है यहाँ पे दोस्तों, आपकी जिंदगी की बात है, क्योंकि आपकी जिंदगी रहेगी तो आपके पास सब कुछ रहेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहले मैं दो कॉलम में आज बात करना चाहता हूं। मेरा पहला कॉलम जो आपकी जिंदगी में हो रहा है 18 से 25 साल की उम्र वालों के साथ, पहला कॉलम में देखिएगा। पहले कॉलम में सबसे पहले आजकल चल क्या रहा है हमारी जिंदगी में, गेम, हमारी जिंदगी में पबजी चल रही है, हमारी जिंदगी में फ्री फायर चल रहा है, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं धीरे धीरे। ग्रुप सीटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, चैटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, चैटिंग विथ अपोजिट जेंडर से चैटिंग बहुत ज्यादा चल रही है मेरे दोस्तों। अगर आप लड़कियां हैं तो आप लड़कों से बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, लड़के हैं तो आप लड़कियों से बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, सबके अंदर फीलिंग्स होती है। उसके बाद आजकल हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है, आजकल हमारी जिंदगी में या बहुत ज्यादा चलता रहता है, मैं देखता हूं कि रिलेटिव्स विजिट्स बहुत ज्यादा चलते हैं कि ऑलवेज यू वांट टू विजिट दिस रिलेटिव दिस रिलेशन दैट रिलेशन। हमारी जिंदगी में और चीजें क्या चलती है आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कभी कभी कहते हैं कि टाइम पास, हम बहुत ज्यादा अपने टाइम को बहुत ज्यादा पास करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में चलती है फाइट्स, लड़ाइयां, विवाद, झगड़े। हमारी जिंदगी में क्या चलता है, सिटिंग एज अ पिलियन राइडर, किसी की बाइक के पीछे बैठकर इधर उधर जिंदगी में जाना, इधर उधर टाइम को व्यर्थ करना, खराब करना, नष्ट करना। टेकिंग ब्रेकफास्ट एट somebody's door, interested, ज्यादा इंटरेस्ट होना किसी और की जिंदगी में, इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ, इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ, दूसरों की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट लेना। अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएगी, वीडियो से बाहर मत जाइएगा, आज का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, समबडीज डोर, कहीं पे नाश्ता करना किसी के द्वारे पे, ये किसी के पीछे बैठ जाना, दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना, ये सारी चीजें चलती है। आइए एक एक करके समझते हैं, हमें नष्ट क्यों कर रही है, बर्बाद क्यों कर रही है, हमारी जिंदगी को खराब क्यों कर रही है, हमारे वक्त को बात क्यों करें। सबसे पहले गेम्स की अगर मैं बात करूं, आज आप पबजी खेल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन आ जाए कि आप सब्जी बेचना पड़े। वैसे कहते हैं कि अगर नौकरी हो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, लेकिन ये तरकारी बेचना कोई नहीं चाहता, इट्स ओनली कंपल्शन, ये सिर्फ मजबूरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ओनली फॉर मनी मेकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई जस्ट डोंट वांट टू रिजेक्ट, आई जस्ट डोंट वांट टू क्लेम यू दैट कि आप गेम मत खेलो। गेम खेलना ठीक है, आप गेम खेलो, मस्ती करो, फन करो, लेकिन अपने आप में क्रिएटिविटी भी लाओ। गेम ऐसा खेलो कि गेम में टॉप लेवल के बन जाओ, खिलाड़ी बन जाओ, पबजी के प्लेयर बन जाओ, कि वीडियो अगर अपलोड करो तो उसका मिलियन मिलियन व्यूज जाना चाहिए, 1000 व्यूज जाना चाहिए, लैक्स ऑफ व्यूज जाना चाहिए। आप उस चीज में कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाओ, कुछ हासिल तो करो, लेकिन गेम बैठ के खेल रहे, टाइम चला जा रहा है, गुटखा खा के पचा पछतू कर रहे हैं, काम खत्म हो जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है ग्रुप सिटिंग, कहीं भी जा रहे हैं, किसी की चारपाई पे, किसी की कुर्सी पे, किसी की चेयर पे बैठ जा रहे हैं तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, बात करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उठने का नाम नहीं,
ले रहे हैं, वहीं बैठे हैं जैसे धरती का बोझ, पूरी तरह से बैठ के अपने वक्त को बर्बाद और नष्ट करके हम शाम में घर लौटते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, चैटिंग करते हुए सो जाते हैं। व्हाट अ फक ऑफ लाइफ मैन, व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ एंड वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी बैड। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, चैटिंग विद अपोजिट जेंडर। हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक लड़का हूँ तो मुझे लड़की से बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और ख़ासकर जब हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, तो हाँ हाउ आर यू से लेके व्हाट टू डू में चला जाता है मामला, व्हाट टू डू तक पहुँचता है, व्हाट टू डू के बाद हाउ टू डू तक पहुँचता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चैट जाने लगती है जिसमें आपका समय तो जाता है, मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप पूरी तरह से अपने वक्त को बर्बाद करके रख देते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता कि व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। रिलेटिव्स विजिट्स, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी में विजिट करना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आदमी देखो जाता क्या हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप रिश्तेदारी में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा अच्छा आइटम्स वहाँ पे मिलता है, अंडा उबल के मिल जाएगा, वो मिठाई और बिस्किट नमकीन सारी चीज़ आ जाएगी, आपको चिकन मटन खाने को मिल जाएगा, तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा। और फिर उसके बाद जब आप आने लगेंगे तो आपके अगर बड़े बूढ़े हैं तो आपको 200-400 रुपये 500 रुपये जेब में डाल देंगे, उससे आपको बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि आपको फ्री में सारी चीज़ें मिलती है। और ख़ासकर अगर आप रिश्तेदारी में गए हैं, वहाँ पर कोई लड़की अच्छी है, कोई लड़का अच्छा है, या पड़ोसी में कोई अच्छा है, तब तो और बात बन गई और आप जाना पसंद करोगे, अरे यार वो देखती है बड़े अच्छे से, वो देखता है बड़े अच्छे से, मतलब आपका कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो रहा है। इस तरह से आप रिलेटिव्स विजिट करो ना, लेकिन इतना विजिट मत करो वो 200-400 रुपया लेने की चक्कर में 2-4 करोड़ की जिंदगी खराब कर डालो, 200-400 रुपये की चक्कर में 2-4 ठो अंडा खाने की चक्कर में, मिठाई खाने की चक्कर में अपने मीठापन अंदर का खत्म कर दो, दैट इज़ वेरी बैड, बहुत ही ख़राब बात। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आजकल लोग जब पूछो क्या कर रहे हो, यार टाइम पास कर रहे हैं, यार टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी कट रही, जिंदगी गुजारना है, जिंदगी काटना है, समय को बस ऐसी चलाना है, व्हाट द हेल मैन, डोंट यू हैव माइंड, डोंट यू हैव मेंटल एबिलिटी दैट यू शुड डू समथिंग इन दिस टाइम, आपको इस वक्त में कुछ करना चाहिए, ये जो समय मिला है आपका समय जो 24 घंटे का, 24 घंटे में तो आप 8 घंटा मुंह बाके सो जाते हो, खाना खाते हो, इधर करते हो, मतलब 14 घंटा तो ऐसे ही गया, और जो बचा आपका 10 घंटे में भी इधर ये सारी चीजें चल रही है, व्हाट अ बैड मैन, ये सारी चीज़ें टाइम पास मत करो, टाइम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। फाइट्स, हमें प्रॉब्लम क्या है हमारी ना, हम लड़ाई करना चाहते हैं, खाली बैठे रहते हैं ना, सोचते हैं थोड़ा सा देखें कि बॉडी में ताकत तो कत है या नहीं, थोड़ा सा चलो लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लाठी निकाले, हॉकी निकाले, मतलब आपकी ज़िंदगी गई 10 साल बीच, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी थाना ये वो करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी बर्बाद, और आप कभी नहीं हो पाओगे आबाद, आप बैठे रह जाओगे टेंशन में, यार ये मारा वो काटा, ये किया वो किया, दैट्स ऑल, स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, रोक दो अभी से, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और अभी से ये सारे काम रोक दो, नहीं तो एक दिन आएगा जब ऐसे हाथ सर पे रखोगे और पछताओगे, बड़ा पछताओगे जो मुझे छोड़ के तुम जाओगे, लेकिन जब इसको छोड़ दोगे तब नहीं पछताओगे, इसको पकड़ के रखोगे तो पछताना पड़ेगा। सिटिंग एज अ पिलियन राइडर, मैं बहुत कुछ लोगों को देखता हूँ कि कोई भी आया रहता हूँ, बैठा लिया अपनी बाइक पे, लेके चला गया, आओ यार चलता हूँ चौराहा पे, बैठा निकल लिया, फिर आओ यार वो चल रहा हूँ खाला क्या, बैठा निकल लिया, मतलब उसकी ज़िंदगी जैसे सड़े हुए टमाटर की तरह कोई कहीं भी पैर मार के लेके चला जाए। आपकी यही वैल्यू है, कोई भी आए बाइक पे बैठा लेके चला जाए, कोई भी आए बाइक पे बैठा लेके चला जाए, व्हाट द हेल, योर टाइम इज गोइंग इन द हेल, आपका जो वक्त है वो तो बर्बाद हो रहा है, सामने वाला तो अपना फोकस्ड है, सामने वाला तो काम से जा रहा है, लेकिन क्या आप काम से जा रहे हो, आप तो सिर्फ किसी के कहने पर पीछे बैठ के चले गए एज अ सड़ा हुआ टमाटर जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बंद करो ये। टेकिंग ब्रेकफास्ट एट समबडीज डोर, बहुत बड़ा पॉइंट है, कभी भी किसी के द्वारे किसी के हॉल में अगर नाश्ता करने की आदत पड़ गई ना, जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर दूसरे के द्वारे पे नाश्ता करना चालू कर दिए, खाना खाना चालू कर दिए, तो आपको कभी भी अपने आप में ताकत महसूस नहीं होगी, कभी अपने आप से कमाने की सोचोगे नहीं, अपने आप से नाश्ता तैयार करने की सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको फ्री में नाश्ता अलग अलग जगह अलग अलग द्वार पर मिल रहा है। इसलिए कभी भी करो नाश्ता, कभी पार्टी हो गई, कभी हो गया, लेकिन आप आदत मत डालो, यू डोंट बी हैबिचुअल ऑफ दैट, डोंट बी एडिक्टेड ऑफ दैट, कि आप जाओ वहाँ पे और करने की कोशिश करो कि आज इनके द्वारे उनके द्वारे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आप इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ, जिंदगी में मैं देखता हूं कि दूसरे की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अरे यार वो कौन सी पटाया है, अरे यार उसकी कौन सी गर्लफ्रेंड है, उसका कौन सा बॉयफ्रेंड है, वो किसने क्या गिफ्ट दिया, वो क्या कर रहा है, व्हाट द फक मैन, मतलब ये क्या है, इनकी लाइफ उसका घर बन रहा है, एजुकेशन ले रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, बैग डाल रहा हो, उससे पटाया, उससे पटी है, व्हाट द हेल,
बंद करो, अपनी जिंदगी में झांक के देखो, ऐसे झांको, अभी मेरा खुल नहीं रहा है, तो कैसे झांको, मतलब ऐसे झांको, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, पहचानो दैट यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द गॉड, दैट यू हैव टू डू समथिंग इन दिस लाइफ, बट यू आर इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ, आप जिंदगी में दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, दैट इज बैड, बहुत ही खराब बात है। आप एक चीज और बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि टेकिंग ऑलवेज पार्टी, आप जो है ना हमेशा पार्टी लेने की कोशिश में रहते हो, कोई ये दोस्त पार्टी दे दे, वो दोस्त पार्टी दे दे, जब तक पार्टी लोगे अपने आप की वैल्यू पहचानोगे नहीं, पैसा कमाने की कोशिश नहीं करोगे, पार्टी देना शुरू करो, जब पार्टी देना शुरू करोगे तो पैसा खर्च होगा, और जब पैसा खर्च होगा तो पैसा कमाने की कोशिश करोगे। गेटिंग माई पॉइंट्स, ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, ग्रुप सिटिंग, इधर उधर की फाइट्स, इधर उधर की लड़ाई, उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड, इनसे चैटिंग, उनसे चैटिंग, टाइम वेस्टिंग, 12 एक बजे रात तक या 2 बजे रात तक, पूरी रात तक चैटिंग करना, बर्बाद करना अपने समय को, व्हाट द हेल, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, अदरवाइज योर लाइफ इज गोइंग टू हेल, आपकी जिंदगी एकदम पूरी तरह से नरक हो जाएगी, ये सारी चीज़ों को स्टॉप करके और चालू कर दो आज से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी तरह से आपको फोकस करने की जरूरत है माई डियर फ्रेंड्स, दैट इफ यू फोकस ऑल दीज थिंग्स you are really going to win in this world, in this life. आप पूरी तरह से फोकस हो जाओ, फोकस क्या करना है आपको, अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ, आप मनी मेकिंग करो, आप मनी मेकिंग करो, आप लर्निंग करो, सीखने की तरफ तवज्जा हो जाओ, एजुकेशन लो, शिक्षा लो, तालीम लो, आप एक्सेलेंस के पीछे भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। अरे जब ये सारी चीजें आपके पास रहेगी ना, तो एक से एक लड़की, एक से एक लड़का मिल जाएगा, रिश्तेदार भी आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे, जब आपके जेब में होगा पैसा, दिमाग में होगी एक्सेलेंस, बुद्धि होगी, दिमाग होगा, सारी चीज आपके पास चलकर ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन आप इधर उधर भागने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं रह जाएगा, उसी तरह से खटिया पे बैठ के बात करते हुए जिंदगी खत्म कर दो। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस लाइफ, यू please, if you have understood about all these things, that please subscribe this channel, share this video, this is very important for you, because I have shared very very deep knowledge, very very deep thoughts about all these era, about all these points. Thank you so much, bye bye, take care, see you, follow the excellence, think about